तो यार 1.5 साल से वेट कर रहे थे हम लोग कोई न्यू गेम का, केटू के न्यू गेम लाए भाई WWE का, और फाइनली अब जाके 8 मार्च 2022 WWE 2K22 मेरे पास आ चुका है। मैं खेल रहा हूँ यार PS5 पे और बता नहीं सकता हूँ यार, इतनी खुशी फील गेम फैमिली, यार आप लोग को भी हो रही होगी यार, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता हूँ यार, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस गेम के लिए। और जो मैंने थोड़ी सी ट्रेनिंग की उसमें पता है मुझे क्या पता चला, उससे मेरे को यार रियलाइज हो गया है कि गेम अलग है थोड़ा सा और काफी अच्छा गेम है। तो चलिए फर्स्ट मैच हम लोग 1-on-1 नॉर्मल मैच कर रहे हैं, और उसके पीछे वजह ये है कि मुझे मैनेजर को लेके आना है, क्योंकि जो मैंने एंट्रेंस देखा था यार रोमन का, वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी देखो, हो सकता है कि बहुत लोगों ने देख लिया हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी देखूंगा यार फुल स्क्रीन में और आप लोग भी देखो। मैनेजर पॉल हेमन ऑटोमेटिकली ना जी उस मैनेजर आ रहा था, लेकिन अपने को पॉली चाहिए। ओ ये रहा पॉली भाई, 72 ओवरऑल है पॉल हेमन का। तो चलो ठीक है, अपोनेंट कौन होने चाहिए? मैं सोच रहा हूं ना बिल गोल्डबर्ग यार, हैप्पी कॉर्बिन मुझे नजर आया, मैंने देख लिया है हैप्पी कॉर्बिन को, लेकिन अभी हम लोग बिल गोल्डबर्ग के साथ करेंगे। रोमन वर्सेस बिल गोल्डबर्ग फर्स्ट मैच होने जा रहा है यार, मेरे को ऐसा धक धक हो रहा है ना यार, यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए करेंगे, मैं चाहता हूँ बहुत ज्यादा अच्छा गेम हो, क्योंकि अब इसी को कम से कम 1 साल तो भाई इसी पे कंटेंट बनाना है, और डेली वीडियोस आएगी, शाम में लाइव स्ट्रीम होगा, टेंशन नहीं लेने का, पूछना मत भाई कब लाइव स्ट्रीम करोगे, 7 बजे लाइव स्ट्रीम के लिए तैयार रहना आज ही। रोमन वर्सेस बिल गोल्डबर्ग, ये है मेरा 2K22 का फर्स्ट मैच, रेसलमेनिया 37 का अरीना मैंने जानबूझ के लगाया, मुझे देखना। ओ भाई साहब अच्छा बना है यार, अनाउंस कर दिया यार सब कुछ, हम लोग एंट्रेंस पूरी देखेंगे, अनाउंसमेंट भी सुनेंगे, यूनिवर्सल चैंपियनशिप भाई लेके आओ, रोमन को लेके आओ जल्दी से, मुझे एंट्रेंस। ओ बिल गोल्डबर्ग, चलो ठीक है, नॉक की आवाज सुनी, नॉक किया था यार दरवाजे पे, बिल गोल्डबर्ग को देखो कैसा बनाया है। बिल गोल्डबर्ग के एंट्रेंस के टाइम में यार लाइटनिंग ठीक कर दिया बैक स्टेज में, क्योंकि 2K20 में बड़ा अंधेरा था। अब WWE 2K20 का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आ जाता है यार बार बार आ जाएगा नाम। चलो बिल गोल्डबर्ग का भी पूरा एंट्रेंस देख भाई, सारे सुपरस्टार्स का। ओ भाई साहब खतरनाक भाई, ये रियल लग रहा है यार भाई, मैंने जितना वीडियोस में देखा था ना, कसम से बता रहा हूँ उससे ज्यादा अच्छा है। तो जिसको भी 2K22 खरीदना है भाई, आंख बंद कर ये खरीद लो, ग्राफिक्स के मामले में तो मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा है यार। गेम प्ले अभी हम लोग देख लेंगे कैसा है, क्योंकि ग्राफिक्स ने यार मेरा दिल जीत लिया है, मैं इससे ज्यादा अच्छा नहीं मांग सकता था। ओ भाई यार रियल लग रहा है यार, कमेंट करके मुझे बताना यार, बिल गोल्डबर्ग बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई, एब्स देख रहे हो बिल गोल्डबर्ग का, चेस्ट के बाल भी भाई अच्छे से नजर आ रहे थे। इस गेम में यार बहुत मजा आने वाला है भाई, लोग तैयार हो जाओ यार, बहुत मजा आएगा इस गेम में। बिल गोल्डबर्ग का फुल एंट्रेंस देखेंगे, इसके बाद रोमन का एंट्रेंस होने वाला है, और रोमन का एंट्रेंस भाई जिसने नहीं देखा है, आप लोग बहुत अच्छे सरप्राइज के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत मस्त एंट्रेंस है। मैंने वीडियो देखी थी, लेकिन मैंने भी सामने से नहीं देखा है यार, और अच्छे ग्राफिक्स में वीडियो नहीं देखी थी, तो मुझे भी देखना है यार, मैंने इतना अच्छा नहीं देखा था, जितना अच्छे बिल गोल्डबर्ग अभी दिख रहे ना मैंने किसी वीडियो में नहीं देखा भाई। हो सकता है वो लोग कम क्वालिटी में डाल रहे हो, लेकिन अभी मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं यार सामने से, बहुत ही अच्छे, मतलब हैट्स ऑफ टू 2K यार, 2K20 बनाने के बाद ऐसा गेम बनाएंगे मैंने सोचा नहीं था। तैयार हो जाओ भाई एक्नॉलेज करने के लिए, रोमन आ रहा है। ओहो भाई रोमन और पॉली आ रहे हैं भाई, ये लोग तो गैप क्यों हो गए, ग्लिच तो नहीं हो गया कहीं, ऐसी मनुष्य मनुष्य बातें नहीं करनी है। रोमन और पॉली आएंगे, रोमन पूरा टाइम लेके आता है, यानी कि ठीक है मैं देख रहा हूं यार, रोमन का वेट कर रहा हूं भाई, एक्नॉलेज करने के लिए तैयार। कमेंटेटर ने भी बोल दिया यार, ओ भाई आ गया रोमन, क्या अच्छा अच्छा कैमरा एंगल निकाला है यार। पॉल हेमन कैरी कर रहे हैं रोमन का यूनिवर्सल चैंपियनशिप, ओपी यार 2K22 ओपी, रोमन ओपी, बिल गोल्डबर्ग ओपी यार, खतरनाक गेम, मतलब इससे ज्यादा अच्छा मैं गेम नहीं मांग सकता था। ये देख लो, ओ भाई जिसने एंट्रेंस नहीं ना देखी और वो फर्स्ट टाइम देख रहा है, अपना रिएक्शन बताना मुझे कमेंट में। रोमन ने बेल्ट लेके यार दिखाया यूनिवर्सल चैंपियनशिप, मतलब कौन बोलेगा यार 2K20 बनाने के बाद अब ये यार, हैट्स ऑफ 2K यार, बहुत बुराई की हमने 2K20 की, लेकिन 2K22 मुझे अभी तक बहुत इंप्रेस कर दिया। अभी गेम प्ले करेंगे यार तो और अच्छे से समझ में आएगा, फिलहाल एंट्रेंस देख लेते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है तो सबका हम लोग एंट्रेंस देखेंगे, और भी मैचेस करेंगे टेंशन मत लो भाई, और भी सुपरस्टार्स अलग अलग मैं लूंगा, सीना ब्रॉक लेसनर सब आने वाले हैं आज की वीडियो में। पॉल हेमन दिखाते हुए आ रहे यार बेल्ट, ये मैंने एंट्रेंस देखा था ना, मुझे कसम से लग रहा था भाई कितना अच्छा बना, और ये सामने से जब फुल HD में देख रहा हूं ना, तो मैं बता नहीं सकता हूं यार,
बहुत अच्छा बनाया। कैमरा एंगल ना अब पता है क्या लग रहा है, रियल टाइप का। पहले क्या था ना, एकदम फिक्स रहता था कैमरा एंगल एंट्रेंस के टाइम पे, बहुत बेकार लगता था। अब ये ओरिजिनल लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं टीवी पे देख रहा हूँ यार, सिर्फ थोड़ा सा कार्टूनिश लग रहा है यार। ग्राफिक्स ने हैंड्स डाउन मुझे इंप्रेस कर दिया है, 10/10, मतलब मैं 10 से नीचे नहीं दूंगा भाई ग्राफिक्स को। अभी गेम प्ले देख लेते हैं कैसा है। ग्राफिक्स ने तो भाई दिल जीत लिया है, गेम प्ले काफी अलग होगा, उसके लिए तैयार हो जाओ यार, गेम प्ले कुछ अलग होने वाला है, इसलिए अभी मुझे टाइम लगेगा गेम प्ले समझने में, लेकिन कोई बात नहीं। पीछे में एक पोस्टर देखा, रोमन का माला पहना हुआ पोस्टर दिखा रहा था कोई, ओ भाई ये सब चेंज कर दिया। चलो थैंक यू 2K यार, बहुत अच्छा गेम बनाया है 2K ने यार, दिल जीत लिया। अब बस गेम प्ले अच्छा हो, मतलब मैंने ट्रेनिंग ली थी उस टाइम तो मुझे अच्छा ही लग रहा था, लेकिन अभी फुल मैच खेलेंगे यार तब मैं अपना बताऊंगा कैसा लग रहा है मुझे, क्योंकि गेम प्ले ओहो भाई घुटने में बैठ गया है पॉले मैन। ऑसम यार ऑसम, रोमन का एंट्रेंस ऑसम लगा मुझे, बिल गोल्डबर्ग का भी बहुत अच्छा था। रोमन का एंट्रेंस चेंज हो गया ना, जो कि ये अभी तक किसी गेम में नहीं था। ओ भाई ये हुआ ना यार रेसलमेनिया एंट्रेंस यार, दिल जीत लिया 2K ने, हैट्स ऑफ 2K यार, बहुत अच्छा काम किया है। पॉले मैन का मुंह देख रहे हो, कितने सीरियस है पॉले मैन, और रोमन बेल्ट को देख रहा था, बहुत अच्छा बनाया यार। चलो ये तो चलो अच्छा लगा मुझे, अब बाकी देखते हैं मैचेस में यार कितना मजा आएगा, क्योंकि एंट्रेंस भाई कितना भी अच्छा हो, खेलना तो गेम है ना, एंट्रेंस दो दिन बाद पुराना हो जाएगा, लेकिन गेम प्ले अच्छा होना चाहिए। ट्रेनिंग में मुझे अच्छा लगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ट्रेनिंग में मुझे अच्छा लग रहा था। अभी फुल मैच खेलूंगा यार तब अच्छे से समझ में आएगा। आ जाओ यार रेफरी, ओ टकलू रेफरी अपने आप से आ गया, ओ यार चलो आ जाओ यार टकलू रेफरी, बेल्ट ले ले और शुरू कर यूनिवर्सल चैंपियनशिप का। ये मेरा फर्स्ट मैच है 2K22 का, स्टार्ट करते हैं यार। इससे पहले एक ट्रेनिंग की थी लेकिन वो मैच नहीं था। अभी तक हम लोग यार मॉड यूनिवर्सल चैंपियनशिप से काम चला रहे थे। इंट्रोड्यूसिंग द चैलेंजर फ्रॉम एटलांटा जॉर्जिया, वेइंग इन एट 270 पाउंड्स, गोल्डबर्ग। रोमन ने टी शर्ट उतार दिए भाई लोग। एंड इंट्रोड्यूसिंग द चैंपियन फ्रॉम पेंसाकोला फ्लोरिडा, वेइंग इन एट 265 pounds, he is the WWE Universal Champion, Roman Reigns। खतरनाक। चलो शुरू किया जाए मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। पॉल हेमन इंटरफेयर करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी देखना है मुझे। ले टकलू बेल्ट ले, अभी कुछ देर बाद दे देना क्योंकि रोमन ही जीतने वाला है। बिल गोल्डबर्ग ने देख लिया भाई बेल्ट, ओहो हो काफी गुस्से में। चलो ठीक है शुरू किया जाए यार, बहुत मजा आने वाला है यार इस मैच में। रेफरी बेल्ट बजा यार शुरू कर। बिल गोल्डबर्ग ने बॉडी टाइट कर ली है, रोमन भी तैयार। इसमें कॉम्बोज याद करने होंगे भाई, दौड़ के किक मारने लगा रोमन, पहले दौड़ के क्लोजलाइन मारता था। अच्छा इसमें हेल्थ भाई सिर्फ 1 ही मीटर है यार, ओ भाई साहब कॉम्बोज याद रखना है, स्क्वायर स्क्वायर एक्स भाई कॉम्बो अलग अलग मार सकते हैं, ये सब चीज याद करनी पड़ेगी कॉम्बोज के बटन। तो अभी एक दो मैच लगेंगे लेकिन फिर अच्छे से समझ जाएंगे हम लोग। ब्रेकर भी है, ओके सुप्लेक्स दे दिया, रिवर्स तो इसमें करता ही, उसके साथ साथ ब्रेकर भी मारता है। तो वो आपको क्या करना होगा कि जब ओपोनेंट सामने स्क्वायर दबा रहा है या सर्कल दबा रहा है तो आपको वही बटन दबाना होगा, तो ये गेसिंग गेम हो जाता है। ठीक है, ओ बिल्कुल बस कुछ ज्यादा नहीं मार दिया सर, सर हो गया बस बस इतना काफी था आपके लिए। हेल्थ मीटर कुछ ज्यादा कम नहीं दिए यार, ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को? तुरंत ग्रीन के बाद येलो हेल्थ नहीं है, ग्रीन के बाद डायरेक्ट रेड हेल्थ है भाई, ये तो डेंजर गेम है यार, मैचेस जल्दी जल्दी खत्म हो गए। अच्छा भी है पॉल हेमन का मीटर बना हुआ है, अगर पॉल हेमन ज्यादा इंटरफेयर करेंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा, मीटर फुल होने लगेगा। बिल गोल्डबर्ग के ऊपर जो मीटर बन रहा है ना वो है स्टन मीटर, अगर मैं उनको स्टंट कर देता हूँ उसके बाद मैं अपना कोई भी मूव आराम से दे सकता हूँ, तो वो मीटर को देखते रहना है, स्टंट मीटर फुल हो रहा है। या अगर मैं स्टंट हो गया तो फिर रिवर्स भी नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, ब्रेकर भी यूज नहीं कर पाऊंगा भाई। बिल गोल्डबर्ग की हेल्थ देखी, यही चीज मेरे साथ भी होता। अच्छा मैं मारे जा रहा हूँ ना बिल गोल्डबर्ग को, तो मेरी हेल्थ रिकवर भी हो रही है। ओ भाई पुराना सिस्टम कर दिया, बिल गोल्डबर्ग स्टंट हो चुके हैं, अभी मैं इनको कुछ भी मार सकता हूँ। सिग्नेचर फिनिशर कब आएगा यार, सिग्नेचर लिखाता नहीं है, मुझे ये देखना है। अच्छा नीचे जब मीटर फुल हो जाएगा ना तब सिग्नेचर आएगा, ठीक है। आइए सर, ये मुंह से पानी फेंका रहा है या पसीना फेंका रहा है भाई,
खतरनाक। देखो गेम प्ले में मैं बताऊं बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल अलग गेम प्ले है। मतलब जैसे गेम मुझे खेलने की आदत है वैसा नहीं है, बिल्कुल अलग है। अरे भाई खतरनाक मजा आ गया भाई, मुझे गेम प्ले अभी तक बहुत अच्छा लगा। बस सिग्नेचर फिनिशर का मुझे सिस्टम देखना है, गिलिटीन भी देंगे भाई हम लोग। सिग्नेचर अभी तक आया नहीं मेरे पास। ओ रिवर्स कर दिया बिल गोल्डबर्ग ने। अच्छा मूव कंप्लीट होने के बाद फ्लैश जंप का कितना अच्छा लग रहा था। नहीं मेरे पास फिनिशर आ चुका है भाई, रिंग के कॉर्नर में जाना है मुझे। मैं रिंग के कॉर्नर वाला फिनिशर देना चाहता हूँ सर, फर्स्ट फिनिशर है यार, रिवर्स मत करना प्लीज। टकलू रेफरी हट गया सामने से, स्पीयर कनेक्ट और पिनफॉल, स्टंड हो गए। अच्छा फिनिशर देने के बाद सामने जो अपोनेंट रहता है वो स्टंड हो जाता है ताकि उसका पिनफॉल करवा सके। रेफरी पिन कर यार, 1 2 3 थ्री नहीं हुआ। फर्स्ट ही मैच में कांड शुरू। अच्छा कोई बात नहीं, गिलिटीन से जीतेंगे भाई अब। अच्छा ही हुआ, मैं ऐसे भी गिलिटीन देना चाहता था। फर्स्ट मैच में कांड हो गया यार, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा मैं मारे जा रहा हूँ ना तो मेरी हेल्थ फुल हो गई है। यही सेम काम अगर बिल गोल्डबर्ग करते तो उनकी भी हेल्थ बढ़ जाती। ये सिस्टम है यानी कि गेम में, मतलब एक बार हेल्थ खत्म हो गई तो थोड़ा देर अगर आप अपोनेंट से भाग गए या अपोनेंट को मार दिया तो आपकी हेल्थ थोड़ी और रिकवर हो जाएगी। ये तरीका है। मैं गिलिटीन देना चाहता हूँ भाई, मुझे गिलिटीन देना है। अब गिलिटीन से जीतेंगे यार, ठीक है। अब स्पीयर से नहीं जीते तो गिलिटीन से टैप आउट करवाएंगे, एलिमिनेशन चेंबर बनाएंगे भाई। मुझे पता है क्या लग रहा था कि कैमरा एंगल की मुझे आदत नहीं होगी, फर्स्ट ही मैच में यार अच्छा लग रहा है। अब ये हो सकता है कि 2K20 ऐसा मनहूस गेम खेल लिया ना भाई कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर ये सच में बहुत अच्छा गेम है। आप लोग कमेंट करके बताओ यार आप लोगों को कैसा लग रहा है गेम। मुझे पता है क्या लग रहा था कि बहुत टाइम लगेगा कैमरा एंगल की आदत होने में, लेकिन यार ट्रेनिंग करने के बाद ये मेरा फर्स्ट मैच है और मुझे अजीब नहीं लग रहा, मुझे बल्कि अच्छा लग रहा है यार गेम। 2K यार हैट्स ऑफ, 2K ओपी यार, 2K ने बहुत अच्छा काम किया है। बिल गोल्डबर्ग पीटने लगे मुझे, 2K की ज्यादा तारीफ कर दी थी। नहीं सर, अरे उठा उठा के पटकना चालू कर दिया बिल गोल्डबर्ग ने। इनके पास भी फिनिशर आने ही वाला है, ऐसे मेरे पास पहले फिनिशर आएगा। सिग्नेचर आ गया क्या मेरे पास? नहीं सिग्नेचर नहीं आया अभी, सिग्नेचर आ गया, सिग्नेचर आ गया। सुपरमैन पंच रिवर्स कर दिया बिल गोल्डबर्ग ने और इनके पास फिनिशर आ गया। सुपरमैन पंच छीन लिया यार मेरा सर, नहीं जैकहैमर नहीं सर, प्लीज सर गलत बात नहीं, मैंने रिवर्स कर दिया जैकहैमर, मेरे पास गिलिटीन आ चुका है। गिलिटीन भी रिवर्स कर दिया यार, कितना रिवर्स रिवर्स हो रहा है। बिल गोल्डबर्ग ने मेरा दोबारा फिनिशर छीन लिया यार, गलत बात है सर। रोमन को जीतने दो यार फर्स्ट मैच, जैकहैमर अब पढ़ने वाला है। बिल गोल्डबर्ग सिर्फ अब जैकहैमर देने की कोशिश करेंगे, मुझे लग रहा है कि फिनिशर पढ़ने वाला है भाई। रिवर्स कर दिया, जब रिवर्स करने पे आया ना बिल गोल्डबर्ग कुछ ज्यादा ही रिवर्स कर रहे, जैकहैमर लगा दिया मुझे। इसमें सेकंड रिवर्सल आता है? अरे आया था यार इसमें, मुझे लगा नहीं आता है। कोई बात नहीं, पिनफॉल नहीं होगा, पिनफॉल नहीं होगा, हेल्थ बहुत है। रो ब्रेक हो गया, ओ अच्छा फाइट फॉर एवर ट्रॉफी मिल गई, ऐसे पिनफॉल नहीं होता, हेल्थ काफी है। मेरा फिनिशर आने वाला पॉल एमन, तेरे को क्यों लेके आया था यार, एक बार कुछ नहीं किया पॉल एमन ने। मैनेजर कुछ करता है भाई, मैनेजर को ये 2K20 वाले मैनेजर है क्या? सर बहुत मार लिया, हो गया सर बहुत हो गया आपका। अब रोमन की बारी, रिवर्स करने का टाइम है। हाँ अब भाई गिलिटीन देके सीधा टैप आउट करवाऊंगा। बिल गोल्डबर्ग का हेड पूरा डैमेज हो गया, इसके बाद ना एक्सट्रीम रूल्स मैच खेलेंगे यार, और मैंने सोच लिया कि मैं क्या लूंगा। गिलिटीन ओपी, टैप आउट करो सर, टैप आउट कर दिया, ये हुई ना बात यार। थैंक यू सर टैप आउट करने के लिए। बिल गोल्डबर्ग भी लेंगे हम लोग दूसरे मैच में, अभी नहीं अभी दूसरे प्लेयर्स लेके खेलना है यार। तो अभी नेक्स्ट मैच हम लोग करने वाले जॉन सीना वर्सेस द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर फॉर WWE चैंपियनशिप। नहीं WWE चैंपियनशिप नहीं करते यार, मैं सोच रहा हूं ना यार रेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप की जाए। मैं चाह रहा हूं कि अभी ब्रॉक के पास ही WWE टाइटल रहे, क्योंकि अभी मैं जॉन सीना लेने वाला हूं यार, अब तो फेवरेट सुपरस्टार नहीं लूंगा। यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट वीडियो में यार जॉन सीना ब्रॉक लेसनर नहीं आए, ऐसा तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार। स्टार्ट किया जाए, हटाते हैं इसको, काफी अच्छा लग रहा है मुझे गेम प्ले स्क्रीन, बहुत मजा आ रहा है भाई। आप लोग कमेंट करके बताना एक्सट्रीम रूल्स मैच सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर, बहुत सुपरस्टार्स हैं हम लोग, आराम से लाइव स्ट्रीम में शाम में देखेंगे। लाइव स्ट्रीम में आ जाना 7 बजे, वो उस टाइम हम लोग आराम से देखेंगे। अभी वीडियो में बना रहा हूं इसलिए मैं सिर्फ मैचेस खेल के दिखा दे रहा हूं यार। मूव थीफ लेते हैं, थोड़ी सी कुछ तो अलग होना चाहिए ना। लो ब्लो ले लूं? नहीं नहीं चलो ठीक है, मूव थीफ लेते हैं।
ब्रॉक लेसनर को F5 दिया जाएगा। आ जाओ यार बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, सामने से बहुत मारेंगे भाई। मेरा 92 है तो ब्रॉक लेसनर का आई थिंक 93 है, बहुत पिटने वाले हैं यार। वो 94 है ब्रॉक लेसनर का, ओ भाई डेंजर। चलो रेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए कर रहे हैं रेसलमेनिया बैकलैश अरीना में, क्योंकि ये भी नया अरीना है यार, 2K20 में ऑब्वियसली नहीं था, ऑब्वियसली नहीं था। जॉन सीना आ जाओ यार, मुझे देखते हैं जॉन सीना कैसे दिख रहे हैं। जॉन सीना का भी एंट्रेंस बहुत अच्छा बनाया हो यार, क्योंकि रोमन बिल गोल्डबर्ग का एंट्रेंस बहुत अच्छा था। आई होप कि सीना भी उतने ही अच्छे दिख रहे हो। अरे आ गए सीना, टाइम इज नाउ, पब्लिक को बोल दिया भाई क्या सीना का टाइम है। सीना वर्सेस ब्रॉक पता है मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि याद है ना समर स्लैम में यार सीना को मारा था आखिर ब्रॉक लेसनर ने, इसीलिए। लेट्स गो टू वर्क, सीना ने बोल दिया यार कि अब काम पे चलने का टाइम आ गया है तो शुरू किया जाए। अच्छा बनाया सीना का एंट्रेंस, अच्छा लगा मुझे, पर एक बात मुझे यार अच्छी नहीं लगी, पता है क्या? टी शर्ट यार, पुरानी टी शर्ट है यार, नई टी शर्ट दे देनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, ठीक है। नई टी शर्ट तो हम लोग यार कम्युनिटी क्रिएशन से डाउनलोड कर ही लेंगे, हेयर स्टाइल नहीं है जहां तक मैंने स्क्रीन शॉट में देखा था। सीने की हेयर स्टाइल न्यू है यार, मजा आने वाला है। सीना टेबल तोड़ेंगे, ओ भाई टेबल क्यों नहीं तोड़े, एक्सट्रीम रूल्स मैच है, चेयर यूज करेंगे, टेबल तोड़ेंगे और बाकी सब लाइव स्ट्रीम में करेंगे। टेंशन मत लो, अभी एक साल चलाना है इस गेम को, तो मैं डेली वीडियो और डेली लाइव स्ट्रीम होने वाली भाई, सब्सक्राइब कर लो और जिसने लाइक नहीं किया यार फटाफट लाइक कर लो यार। जॉन सीना भी ओपी कर ही लो यार एक बार चैट में, और ब्रॉक लेसनर भी कर लो, जो जो आज आ रहे हैं ना भाई सब ओपी। सीना ने यार पैंट ऊपर कर ली है, ब्रॉक लेसनर भी पैंट मेरी ढीली करेंगे यार। 94 है ब्रॉक लेसनर का और उससे भी ज्यादा रोमन का 95, सीना का भी 92 है, लेकिन 2K20 में सीना का 89 था तो उससे तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। ब्रॉक लेसनर का एंट्रेंस हम लोग देख चुके हैं, लेकिन यार ये जो HD में देखते हैं मजा आ रहा है ना। मैं अपनी फीलिंग बता नहीं सकता यार, उछल लो ब्रॉक लेसनर, उछल लो। बहुत अच्छे लग रहे हैं यार ब्रॉक लेसनर। कमेंट करके बताना यार कि आप लोग को अभी तक सबसे अच्छा कौन सा सुपरस्टार लगा देखने में। रिंग के चारों तरफ घूमेंगे क्या? स्लो हो गए ब्रॉक लेसनर, ओ भाई डेंजर। सीना को देख रहे हैं, एंट्रेंस चेंज किया ब्रॉक लेसनर का भी, पता है सीना को देख के धीरे हो रहे थे यार। कैमरा एंगल जो चेंज कर दिया ना उसकी वजह से एंट्रेंस और ज्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं अरे हाँ सिर है भाई, ओ भाई डेंजर, मतलब एंट्रेंस में तो बहुत अच्छा काम किया है यार, गेम भी अच्छा बनाया है, लेकिन एंट्रेंस को मैं 10 दूंगा, गेम को 9.5, गेम भी बहुत अच्छा है अभी तक तो, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। और सबसे बड़ी बात, अभी तक एक भी ग्लिच नहीं हुआ है, गेम एक बार भी ऑफ नहीं हुआ है, ब्रॉक में आग लगी हुई है, ब्रॉक जो नाम लिखा हुआ था। WWE चैंपियनशिप के लिए नहीं हो रहा है भाई, यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हो रहा है। मैं चाहता हूं कि अभी ब्रॉक ही चैंपियन बने रहे यार, एटलीस्ट स्ट्रीम तक तो ब्रॉक लेसनर चैंपियन बने रहे, उसके बाद देखा जाएगा। ब्रॉक लेसनर के बाल हिल रहे हैं, मैंने ये चीज बोला ही नहीं कि हेयर स्टाइल पे भी बहुत काम किया यार 2K ने। अभी तक 2K के जो भी गेम्स आए थे भाई बाल जरा से भी हिलते नहीं थे, लेकिन अभी बाल लग रहा है ओरिजिनल टाइप का, जो कि बहुत अच्छा है। कोई तो चैंपियन है नहीं तो इंट्रोड्यूस होगा नहीं, मुझे लग ही रहा था, मुझे लगा था कि इंट्रोडक्शन मिलेगा नहीं क्योंकि कोई चैंपियन है नहीं। फिर से टकलू रेफरी, ये बार बार यही रेफरी क्यों आ रहा है यार, कभी तो कोई दूसरा रेफरी हो। मैच शुरू हो गया ब्रॉक लेसनर, इससे पहले ब्रॉक लेसनर मेरे ऊपर अटैक करे, ब्रॉक बहुत रिवर्स करेंगे, मैं जान रहा था। ये जो है ना ये हेवी स्ट्राइक है, रिवर्स करके जो मैं मार रहा हूँ इसमें टाइम लगता है लेकिन डैमेज इससे ज्यादा होता है। और ये अभी जो मार रहा हूँ भाई ये लाइट अटैक है, इससे क्या होता है कि लाइट अटैक से डैमेज कम होता है लेकिन कॉम्बो आप मार सकते हो लाइट अटैक यूज करके। इस मैच में तो टेबल तोड़ा जाएगा और मैं चाह रहा हूँ ना F5 से जीतूं यार, F5 से जीतूंगा तब मुझे राहत मिलेगी। ये पता है मैं अभी कितने बजे वीडियो बना रहा हूँ, रात के 12:30 हो गए होंगे भाई, आधा घंटे से मैं खेल रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है 12:30 बज गए भाई रात के, और मेरा सोने का कोई प्लान नहीं है आज, मैं रात भर अभी खेलने वाला हूँ वीडियो बनाने के बाद भी। ये स्टंट है ब्रॉक लेसनर, तो अभी कितने भी घूसे मारूंगा ना ब्रॉक लेसनर रिवर्स नहीं करेंगे। अब बहुत घूसे मार लिए यार, सीन आप छोड़ दो यार, देखने में इतना अच्छा लग रहा है ना गेम और खेलने में इतना स्मूथ है, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, पता नहीं वीडियो में आपको उतनी स्मूथनेस दिख रही होगी कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन खेलने में यार मक्खन जैसा चल रहा है गेम यार। 2K का ऑफिस जा रहा हूँ भाई तारीफ करने के लिए उन लोग की, अगर 2K20 वर्स्ट गेम है ना 2K का, तो मैं यार मैं आज खुला बोल दे रहा हूँ 2K22 बेस्ट गेम है 2K का,
2K का बेस्ट गेम है। 2K14 से लेकर 2K20 में यार ये बेस्ट गेम इन लोगों ने बनाया है। अरे भाई खतरनाक, सुना सीना ने बोला यू कैन सी मी। यार पहले के गेम में सीना ऐसा नहीं बोलते थे यार, मजा आ रहा है मुझे। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं इंप्रेस हो रहा हूँ गेम से। ब्रॉक लेसनर ने सुप्लेक्स दे दिया। जब मैं गेम की तारीफ करने लगता हूँ ये लोग मुझे पीटने लगते हैं, बहुत गलत बात है। सबमिशन, ऐसे टैप आउट तो नहीं करूंगा, मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा है। ब्रॉक सबमिशन छुड़ा लिया मैंने, पता है 70% गेम चेंज कर दिया भाई, तो आपको मजा आएगा। जो लोग 2K के पुराने गेम्स खेल रहे हैं ना, और अभी ये वाला गेम खेलोगे आपको एक अलग फीलिंग आने वाली है। एक फास्ट गेम प्ले टाइप की फीलिंग आ रही है और एक चैलेंज मिल रहा है गेम में, पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहले क्या था, मैं रिवर्स कर करके मजे लेते रहता था, लेकिन अभी वो नहीं। ये देख रहे हो, और दूर उठा के फेंक के ब्रॉक लेसनर, इतनी दूर उठा के फेंक दिया यार। ओ चेयर लेने गए, अच्छा ऐसे मैं भी सामान लेने जाने ही वाला था, कोई बात नहीं ब्रॉक लेके आ जाओ यार चेयर, थैंक यू ब्रॉक। अरे छीनना था मुझे चेयर भाई, नॉर्मली नहीं छीनता इसमें। पहले क्या होता था 2K20 में कि मैं ग्रैपल करता था, सामान छीन लेता था, इसमें वो सिस्टम नहीं दिया है। चलो अच्छा ही, मैं सीख रहा हूँ यार। लेसनर बहुत ज्यादा रिवर्स करते हैं, पता है लेसनर का ओवरऑल ज्यादा है ना, बिल गोल्डबर्ग से ज्यादा ही रिवर्स कर रहे हैं भाई ये। चेयर लाओ, एक्सट्रीम रूल्स मैच है भाई तो एक्सट्रीमनेस दिखनी चाहिए। ये चेयर लगा क्यों नहीं? ग्लिच नहीं था, मैं थोड़ा उधर मार रहा था, चेयर की आवाज नहीं हुई सेकेंड टाइम। चेयर भाई, चेयर पे डेंट पड़ गया है। पहले 2K20 में नहीं था ना, ये पुराने गेम्स में था। ओपी यार, चेयर ओपी कर लो चैट में एक बार, क्योंकि फिनिशर आ चुका है भाई। तो चलो टेबल तोड़ा जाए, टेबल हटाने का क्या सिस्टम है। अच्छा इस बार तीनों मॉनिटर देखा, पहले क्या करते थे कि निकालते थे मॉनिटर, अभी एक हाथ से झटक के फेंक दिया। ब्रॉक लेसनर टेबल पे सेट हो जाओ यार, तीसरी बार में पक्का ये सेट हो जाएंगे भाई सर। हाँ फाइनली टेबल तोड़ना तो बनता है ब्रॉक, सॉरी। टेबल तोड़ने का सिस्टम वही है, लेकिन अच्छा लग रहा है नए ग्राफिक्स के साथ यार, ओपी लग रहा है। बूम, ब्रॉक लेसनर स्टंड हो चुके हैं भाई, ब्रॉक लेसनर की पूरी हेल्थ गायब हो चुकी है। ये भी अच्छा है, नहीं हेल्थ गायब हो जाती है पूरी स्टंड होने के बाद। ये जॉन सीना खड़े खड़े सिग्नेचर कैसे देंगे यार? अच्छा ओ भाई, ये अच्छा सिस्टम बना दिया, पता है क्या, सीना मतलब पैर मार के ब्रॉक लेसनर को गिरा देंगे और एसटीएफ दे देंगे, ये सिग्नेचर बनाया है। और उसके चक्कर में मुझे सुप्लेक्स पड़ गया, लेकिन अच्छा सिस्टम बनाया यार सिग्नेचर देने का। ब्रॉक सामान मत निकालो, अंदर चलो यार, मूव थीफ देने का टाइम आया है। ब्रॉक अंदर आ जाओ सर, और F5 खाने के लिए तैयार। भाई F5 दे ही जीतेंगे हम लोग, ऐसे नहीं। ब्रॉक के पास ऐसे फिनिशर आ गया, मूव थीफ देने का टाइम है। ब्रॉक टाटा, और इसी से पिनफॉल करेंगे भाई मिला के। रेफरी पिन कर, 1 2, यू कैन सी मी ब्रॉक। ब्रॉक भी लेके खेला जाएगा, लेकिन लाइव स्ट्रीम में यार मैं ब्रॉक लेके भी खेलना चाहता हूँ, मुझे देखना है कि ब्रॉक के मूव्स यूज करने में कितना मजा आ रहा है यार। यूनिवर्सल चैंपियन बन गया सीना, ऐसे WWE में तो कभी नहीं बने, लेकिन मैंने यहाँ गेम में एक ही दिन में बना दिया भाई, यही तो मजा है गेम का। सीना यूनिवर्सल चैंपियन नहीं बने ना, नहीं सीना यार 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन अभी तक एक बार भी यूनिवर्सल चैंपियन नहीं बने सीना। चलो ठीक है भाई, थर्ड मैच लगाया जाए, जो कि अब दोनों मैचेस से अलग होगा। 2-on-2 टैग टीम मैच, और वो ऐसा वैसा टैग टीम मैच नहीं रहेगा, 2-on-2 लैडर टैग टीम मैच करेंगे भाई। तो टैग टीम मैच हो यार, और आरके ब्रो को मैं नहीं लूं तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ब्रॉन स्ट्रोमन को मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन का न्यू लुक देखने को मिलेगा यार अपने को। और स्ट्रोमन सर यार WWE से चले गए हैं, तो पता नहीं 2K23 में आई डोंट थिंक के रहेंगे, अगर WWE में आ गए तो अलग बात है। अंडरटेकर लिया जाए यार, अंडरटेकर को नहीं रखेंगे फर्स्ट वीडियो में ना यार, तो ये गलत बात होगी। अंडरटेकर सर ओपी है तो इनको रखना चाहिए, और मैं सोच रहा हूँ थोड़े डिफरेंट अंडरटेकर को रखा जाए, जो कि अभी तक मैंने गेम में ओरिजिनल नहीं देखा है। तो ये मैंने जानबूझ के मास्क वाले अंडरटेकर लिया है भाई। तो जैसा भी आपने देखा कि तीनों अंडरटेकर मेरे पास अनलॉक है, क्योंकि मेरे पास NWO वाला पैक है 2K22 का। ब्रॉन स्ट्रोमन आ रहे हैं यार, मैं जल्दी एंट्रेंस नहीं रखता हूँ मैच में याद है, लेकिन अभी इतना मजा आ रहा है ना एंट्रेंस देखने में, ऐसा लग रहा है मैं टीवी पे देख रहा हूँ यार। और कैमरामैन लग रहा है कि रियल कोई कैमरामैन है,
जिस हिसाब से यार कैमरा एंगल रखा है गेम में। ब्रॉन स्ट्रोमन का न्यू लुक दिया है, टकले ब्रॉन स्ट्रोमन दाढ़ी बड़ी। ब्रॉन स्ट्रोमन का अटायर अगर न्यू वाला दे देता ना तो और मजा आता, लेकिन कोई बात नहीं यार, एटलीस्ट गेम में है ना द फिंड ब्रे वाइट यार, तो गेम ही में नहीं है, तो उससे बेटर है कि पुराने ही अटायर में भले ही मिल जा रहे हैं पर मैं काम चला लूंगा काम नहीं बहुत ज्यादा काम चला लूंगा यार। अटायर तो यार हम लोग कम्युनिटी क्रिएशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, एटलीस्ट ओरिजिनल प्लेयर तो है ना गेम में, अटायर मुझे ज्यादा देर लगेगा नहीं डाउनलोड करने में, और हो सकता है लाइव स्ट्रीम से पहले मैं डाउनलोड भी कर लूं। 7 बजे लाइव स्ट्रीम रहेगी भाई, तैयार रहना आज। अंडरटेकर के एंट्रेंस भी देखूंगा यार, सबके एंट्रेंस हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। आने दो अंडरटेकर सर को यार, ये अंडरटेकर इंजर्ड चल रहे थे इसलिए उन्होंने मास्क पहनना शुरू कर दिया था। मतलब इतने ज्यादा अंडरटेकर यार अपने काम के लिए इतना ज्यादा डेडिकेटेड है यार कि मतलब इंजर्ड थे और वो चैंपियन थे तो इसलिए वो यार छुट्टी भी नहीं ले सकते थे, और इसलिए उन्होंने मास्क पहनना शुरू कर दिया ताकि अंडरटेकर का यार फेस डैमेज नहीं हो। और इसके बाद भी हम लोग एक और मैच करेंगे, आज बहुत मैचेस हम लोग खेलने वाले हैं भाई। फर्स्ट वीडियो कम से कम 40 मिनट्स के ऊपर होनी चाहिए और मुझे लग रहा है शायद अभी 30 मिनट हो गया होगा, शायद मैं टाइमिंग नहीं देख रहा हूँ यार रिकॉर्डिंग करते टाइम, लेकिन ठीक है एक और मैच इसके बाद हम लोग फिर खेलेंगे। कैमरा एंगल देख रहे हो, ग्लव्स के पास कितना अच्छा कैमरा एंगल रखा है यार, मजा आ गया। मैं वेट कर रहा हूँ अंडरटेकर कब अपनी हैट हटाएंगे, पता नहीं पुराने वाले अंडरटेकर हैट हटा के आंख ऊपर करते थे क्या, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी देख लेते हैं भाई। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, पुराने वाले अंडरटेकर दिए हैं तो वो लगेंगे भी यार कि जवान अंडरटेकर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अटायर अलग और आदमी वैसे ही दिख रहा है, नहीं ये जवान जैसे लगेंगे भी, क्या जवान अंडरटेकर है। और मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस वाले अंडरटेकर जब मैं लूंगा तो जैसा मैंने वीडियोस में देखा है भाई, तो वो भी यार मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस वाले टाइम वाले अंडरटेकर जैसे दिखेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि तीन अंडरटेकर दे दिया और तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, बस अटायर अलग है। बहुत अच्छा बनाया यार अंडरटेकर सर, ओपी यार, हॉल ऑफ फेम में जाना डिजर्व करते हैं। थैंक यू अंडरटेकर सर इतने साल एंटरटेन करने के लिए। रैंडी ऑर्टन और मैट रिडल को मुझे देखना है यार, दोनों साथ में आएंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा, आरके ब्रो वाला थीम सॉन्ग के साथ। अंडरटेकर टोपी नहीं हटाने वाले मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ सही लगा था भाई। ये मंडे नाइट रॉ का न्यू अरीना, इसके बाद ना हम लोग थंडरडोम अरीना में मैच करेंगे यार, और इसके बाद किसके साथ करने वाले ये मैंने सोच लिया अभी, लेकिन मैच के बाद देखते हैं। अरे ये मैट रिडल अकेले आ रहा है यार, जबकि इन लोग की टीम बनी भी है गेम के अंदर। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मैट रिडल 2K20 से, तो खैर की बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है ब्रो। लेकिन यार आरके ब्रो एक साथ आते ना, इसलिए मैंने लिया था। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। और ये क्योंकि लैडर मैच है इसीलिए चैंपियनशिप मैट रिडल के पास नहीं है, ऊपर लटकी भी है, और मैं इस मैच में रैंडी ऑर्टन बनाऊं, दोनों नहीं बन सकता था। मैट सामने भाई ब्रॉन स्ट्रोमन और अंडरटेकर है, ठीक है संभाल लियो यार, क्योंकि मैं सिर्फ ऑर्टन को कंट्रोल कर रहा हूँ। रैंडी ऑर्टन को मैंने ना सिर्फ एक स्क्रीनशॉट में देखा था, तो मुझे पता नहीं रैंडी ऑर्टन का एंट्रेंस कैसा होने वाला है, ये मेरे लिए भी सरप्राइज है, मैंने भी ऑर्टन के बारे में ज्यादा कुछ देखा नहीं। कैसा बना ऑर्टन को, दूर से तो अच्छे ही लग रहे हैं यार, सामने थोड़ा, अरे ये ऑर्टन की दाढ़ी पुरानी टाइप की लग रही है यार, नहीं ऑर्टन की बियर्ड सिस्टम यार पुरानी वाली है। He is one half of the Raw Tag Team Champions, the Viper, Randy Orton. मतलब रैंडी ऑर्टन पहले से बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, मैं कंप्लेन नहीं करूंगा भाई। मैंने 2K20 दो साल खेला है और आप लोग ने देखा है भाई 2-2.5 साल, तो इसलिए हम लोग कंप्लेन नहीं करने वाले। फेल गेम फैमिली अच्छी है भाई, कोई कंप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि जैसा गेम हम लोग भाई देखते आ रहे हैं और आई मीन झेलते आ रहे हैं, उससे तो ये मतलब ये माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लास्टिंग यार, मेरे पास शब्द की कमी हो रही है। मतलब जो गेम हम लोग ने देखे और खेले भाई 2K के, उससे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। तो जो भी खरीदने का सोच रहा है भाई, मेरी ओपिनियन ले लो, रिग्रेट नहीं करोगे, मैं सच बता रहा हूँ। और मुझे 2K ने पैसे नहीं दिए तारीफ करने के लिए, तो ये अनपेड ओपिनियन है।
2K ने यार इस बार चमत्कार किया है, कुछ भी बोलो, बहुत अच्छा गेम बनाया है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और इसके बाद हम लोग एक और मैच खेलेंगे, पहले इसमें जीतना होगा, लैडर मैच है, मुझे देखना है भाई। अच्छा ऐसे कमेंट करके आप लोग बताना यार कि आज लाइव स्ट्रीम में कौन कौन से मैचेस करने हैं, लिस्ट बना के रखो सारे मैचेस की, क्योंकि आज भाई सब पूरी कसर जो 2.5 साल की है ना वो आज के लाइव स्ट्रीम में हम लोग उतारने वाले हैं। तो सारे मैचेस की लिस्ट बना लो और कमेंट सेक्शन में भर दो यार कि कौन कौन से मैचेस आज आपको लाइव स्ट्रीम में देखने हैं। चैंपियनशिप मैच है, मैट रिडल संभाल लेना यार, और मेरे पास यानी कि ऑर्टन के पास लो ब्लो एबिलिटी है तो वो भी यूज करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली यूज करने वाले हैं भाई। स्टार्ट करो यार, बेल बजाओ यार, रेफरी नहीं है, अच्छा टकलू रेफरी नहीं है, मुझे लगा था लैडर मैच में भी रेफरी रहेंगे, कोई बात नहीं, रेफरी नहीं है इस मैच में। अच्छा लैडर मैच में सबमिशन हम लोग दे सकते हैं, ये टारगेटिंग का सिस्टम मुझे समझा दे रहे, थैंक यू। अच्छा जिसके ऊपर टारगेट करूंगा ना उसके ऊपर ना ब्लू रंग का पॉइंटर आ जाएगा यार। ये 2-on-2 में कैमरा कुछ ज्यादा दूर से नहीं दिखा रहा है भाई, थोड़ा कैमरा सामने ले जाए यार, कैमरा मैन थोड़ा सामने ले गया भाई कैमरा, हाँ ठीक है अब ठीक लग रहा है भाई, इतना दूर ले गया तो मैं रिवर्स ये सब कैसे करता है यार। ओ मैट लैडर लेने चला गया, बहुत बढ़िया मैट, बहुत सही जा रहा है यार। अंडरटेकर पता नहीं स्टाइल क्यों मार रहे चलते हुए मैच में, मैट तैयार है लैडर लेके, अरे वाह मैट जियो यार, लैडर सेट भी कर दिया भाई, मुझे देखना है लैडर उठाने का क्या तरीका है, ये सब मुझे देख लेना चाहिए था लेकिन अब लगा दिया, चलो ना कोई बात नहीं, मैच ही में देख लेंगे यार, खेलते खेलते समझने में ज्यादा मजा आता है, गलती कर करके जो सीखने में मजा है ना यार वो मत पूछो। ये देखो मैट बाहर चला गया, अरे मैट भाई मैच जीतना है ना, ऐसे लैडर तो अंदर लेते ही आया, अंडरटेकर भी अंदर आ गए, मैट अंदर आ जा भाई, 2-on-1 मैच हो जाएगा नहीं तो। मैं लैडर के ऊपर जाने का ट्राई कर रहा हूँ भाई, लैडर के ऊपर क्या चीज से जाता है, शायद एक्स से जाता होगा। अच्छा मैं प्लेस्टेशन 5 पे खेल रहा हूँ, मैट रिडल खड़ो की तमाशा देख रहा है, अरे ओ 2-on-1 मैच चल रहा है मेरे साथ, हाँ ठीक मारा ब्रॉन स्ट्रोमन ने भाई, ये खड़ो के देखे जा रहा था मैट, हो एबिलिटी यूज कर ली, सॉरी टेकर सर, अंडरटेकर स्टंड हो गए, लो ब्लो मारने के बाद आदमी स्टंड हो जाता है, और अभी मैट रिडल भी स्टंड हो गया। मेरे पास आरकेओ आ गया ब्रॉन स्ट्रोमन, लगता है पहला आरकेओ स्ट्रोमन को ही पड़ने वाला है, तैयार रिवर्स कर दियो, रिवर्स करके पावर स्लैम भाई, ये पहला था ना, ऐसा तो मैंने नहीं देखा था 2K20 या 19 में, आरकेओ रिवर्स करके भाई पावर स्लैम दे दिया अपना फिनिशर, खतरनाक बना भाई ये ब्रॉन स्ट्रोमन को, यानी फिनिशर देने का नहीं है यार ये तो, फिनिशर को रिवर्स करके मतलब मेरी उल्टी वाट लगा देंगे यार। मैट रिडल कुछ कर भाई, 2-on-1 मैच हो जा रहा है मेरे साथ, मुझे तो इतना यकीन है कि बेल्ट मेरे को ही तोड़ना पड़ेगा, मैट नहीं तोड़ने वाला है, सिग्नेचर लगा दिया अंडरटेकर को, ओल्ड स्कूल रैंडी ऑर्टन, गेम प्ले इतना मक्खन जैसा चल रहा है ना यार, जरा सा भी लैग नहीं कर रहा है, सबसे अच्छी बात यह है। अब मुझे नहीं पता कि PS4 में ग्राफिक्स कैसे होने वाले हैं यार, मैं PS4 पे खेलूंगा तो आपको बताऊंगा। बेल्ट लेने गया मैं, L1 से जाता है भाई, मैंने R1 दबा दिया, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे भी ब्रॉन्ज स्ट्रोमन खड़े हो गए थे वो मुझे गिरा देते। अच्छा मैट ऊपर गया भाई, तोड़ ले बेल्ट, तोड़ ले यार, जब तक मैट रिडल बेल्ट तोड़ेगा ना तब तक मैं आरकेओ दे देता हूँ, अरे सॉरी भाई मैट यार, सॉरी यार, मुझे क्या पता था आरकेओ देने से लैडर गिर जाएगा, मैट नीचे आ जा भाई, नीचे आ जा यार, मैट के साथ मैंने कांड कर दिया, सॉरी ब्रो, ऐसे तू भी कर रहा था यार, जब मैं पिटा रहा था तो खड़ा होकर देख रहा था मैट, चलो ठीक है, लगता है मुझे ही तोड़ना पड़ेगा भाई बेल्ट, और मैं चाहता हूँ कि मैं ही तोड़ूं, क्योंकि हर मैच टैग टीम मैच थोड़ी होगा, जब मनी इन द बैंक मैच करूंगा यार तो उसमें तो मुझे ही तोड़ना पड़ेगा ना। आरकेओ देने में 1 सेकंड लेट किया ना अंडरटेकर ने, कूट दिया यार, एक आदमी को तो आरकेओ पड़ रहा है, लेकिन किसको, ब्रॉन स्ट्रोमन को आरकेओ देने जा रहा था, लेकिन स्ट्रोमन को दे चुका भाई आरकेओ, तो बचा के रखता हूँ, ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर एक बार कूद जाता हूँ मैं, ताकि ब्रॉन स्ट्रोमन ना लंबे टाइम के लिए गिरा रहे, क्या स्मूथ कूदता भाई, एक बार भी गलती नहीं की है ऊपर से जंप करने में, चलो ठीक है मैट दोनों को संभाल लेना यार, मैट यार ऊपर आ जा यार, क्या टाइम पास कर रहा है नीचे, अंडरटेकर तो ऐसे भी स्टंड है, हाँ चलो ठीक है मैट संभाल यार, लैडर लगा दे कम से कम, चलो ठीक है ब्रॉन स्ट्रोमन गए, मैं जा रहा हूँ ऊपर जा रहा हूँ भाई,
कोई नहीं आ रहा ऊपर, ये बहुत ही अच्छी बात है। ब्रॉन स्ट्रोमन तो स्टंड है। अच्छा लैडर मिनी गेम, इसके बारे में पता है यार अपने को, ठीक है। ये पुराना ही तरीका है लैडर मिनी गेम का, 8 बार करना रहता है भाई, इसको 2 बार कर लिया है। मैट मैट तेरे से नहीं होगा भाई, ब्रॉन स्ट्रोमन आ गए ऊपर, आर के ऊपर से देता हूँ भाई, बड़ा मजा आएगा पता है। अरे मैट, अरे मैट क्या कर रहा है यार, मैट ने बदला ले लिया भाई, जो मैंने मैट को लैडर से गिराया था ना, मैट ने मुझे भी गिरा दिया यार। मैट बहुत गलत आदमी है भाई तू, अब दोनों को संभाल। मैट क्या क्या उल्टा सीधा हरकत कर रहा है मैट यार, हाँ मारते रहे। अंडरटेकर को देखना यार, जो स्टंट आदमी वो तो ऐसे भी नहीं उठने वाला है जब तक उसके स्टंट मीटर खत्म नहीं होगा। अंडरटेकर को संभाल लेना ठीक है, मैं इस बार तोड़ लूंगा यार बेल्ट, बस अंडरटेकर को संभाल ले भाई, अंडरटेकर को बाहर फेंक दे, हाँ जो करना है करते रहे, बस अंडरटेकर को इंगेज रखे यार। यार ये मिनी गेम वाला मीटर कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं कर दिया है, कोई बात नहीं, बस एक बार और कंप्लीट करना है। चलो ये कंप्लीट हो गया भाई, इसके बाद एक और मैच हम लोग खेलने वाले हैं, वो कौन सी स्टिपुलेशन के साथ खेली जाए मैं ये सोच रहा हूँ। देखो अभी हम लोग खेलने जा रहे हैं सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर, और ये मैच हम लोग करेंगे भाई थंडरडोम अरीना में। फर्स्ट ब्लड मैच किया जाए या फिर टेबल्स मैच किया जाए मैं सोच रहा हूँ, चलो टेबल्स मैच कर लेते हैं ठीक है। सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर, खत्म करते हैं इसको। तो चलिए लगा लिया मैंने भाई सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर, और ये टेबल्स मैच हम लोग थंडरडोम अरीना में कर रहे हैं भाई। सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकइंटायर दोनों का एंट्रेंस फुल देखेंगे भाई, ये टेबल्स मैच है, रेफरी नहीं रहेगा, और क्योंकि ये थंडरडोम अरीना है तो ऑडियंस लाइव ऑडियंस नहीं है, टीवी स्क्रीन में आपको नजर आने वाला है, तो यही है थंडरडोम अरीना। सेथ रॉलिंस का ओहो डांस करते हुए आ रहा भाई सर, वो हो बर्न इट डाउन भाई। सेथ को देख के यार ऑडियंस आजकल गाने लगी है, ये कैमरा देख रहे हो कितना अच्छा टिल्ट कर रहा है भाई, बहुत अच्छा बनाया यार कैमरा एंगल में, मतलब जितनी बार एंट्रेंस देखो ना हर बार अच्छा लग रहा है यार। Making his way to the ring from Davenport, Iowa, weighing in at 217 pounds. Seth Rollins, भाई यार बहुत हम लोग enjoy करने वाले इस game को लेकर, बहुत मजा आने वाला है Phil Gim family यार। और जिसने like नहीं किया अभी तक एकदम फटाक से like कर लो, original लोग बैठे हुए हैं। अच्छा और सारे अलग अलग लोग हैं, मुझे लगा था ना कि repeat होंगे लोग, जहां तक मैंने अभी तक देखा सारे अलग अलग आदमी लोग हैं भाई, जैसे ओरिजिनल थंडरडोम अरीना में रहते थे। कोई रिपीट होगा तो मुझे बताना, तो पीछे बैकग्राउंड में देख के ऐसे सेथ का एंट्रेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। ड्रू मैकइंटायर ना वीडियो जो मैंने देखी थी यार, उसमें ड्रू मैकइंटायर अजीब लग रहे थे, अभी मुझे देखना है कि गेम के अंदर ड्रू मैकइंटायर कैसे दिख रहे हैं भाई, जब मैं लाइव खेल रहा हूं तो मुझे कैसे लग रहे हैं ड्रू मैकइंटायर। सारे लोग चीयर कर रहे हैं, मैं सेथ रॉलिंग्स बनाओ भाई इस मैच में, बताना भूल गया था, सेथ बनाओ यार इस मैच में। मैं और टेंशन मत लो, जो सुपरस्टार्स अभी नहीं ले रहा हूँ वो सब लाइव स्ट्रीम में लूंगा भाई, अभी तो सबका एक एक करके स्पेशल करना है पता है ना। शॉट लेके आए ड्रू मैकइंटायर का न्यू एंट्रेंस है भाई, ये सब वीडियो में देख चुके हम लोग, सामने से ड्रू मैकइंटायर कैसे, ओ भाई वीडियो में ऐसे नहीं लग रहे थे यार, यार वीडियो में तो बड़े बेकार से लग रहे थे ड्रू मैकइंटायर, ये अपडेट किया है क्या ड्रू को भाई, आप लोग को दिख रहा है यार कि जो वीडियो आई थी ट्रेलर उसके ड्रू मैकइंटायर और ये गेम के ड्रू मैकइंटायर, भाई पता नहीं हो सकता वो थोड़ी सी झलक में अपने को समझ में नहीं आया हो। From Ayr, Scotland, weighing in at 254 pounds, Drew. भाई यार ये वीडियो में अपने साथ धोखा हो गया है, मतलब अच्छा वाला धोखा हुआ है, वीडियो में खराब लग रहे थे ड्रू मैकइंटायर ट्रेलर के टाइम पे। अच्छा ये स्टील स्टेप्स के ऊपर मारा ना तो उसकी भी आवाज है, थप से करके मारा यार, सब अच्छा बना दिया है पता है, बहुत अच्छा 2K ने अच्छा काम किया यार। देखो जहां तारीफ करनी चाहिए इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि 2-2.5 साल बहुत बुराई की है 2K20 की, तो अभी तारीफ के काबिल है यार, 2K ने बहुत अच्छा काम किया है। टेबल तोड़ने का सिस्टम तो वही ना होना चाहिए, जो टेबल मीटर फुल होता है, पर पूरा गेम चेंज कर दिया है तो हो सकता है टेबल वाला सिस्टम भी वो नहीं हो। अभी ये मैंने गलती की है लगा कि भाई ये आज का फर्स्ट मैच हम लोग हारेंगे क्या, कैमरा एंगल का मुझे लग रहा था ना आदत नहीं होगी, लेकिन यार बहुत अच्छी आदत हो गई कैमरा एंगल की, लग ही नहीं रहा है कि हम लोग कभी ये गेम नहीं खेलते थे। अभी मैंने ये मुश्किल से गेम 30-40 मिनट खेला होगा और मुझे आदत हो गई भाई, मुझे लग रहा था कि टाइम लगेगा कैमरा एंगल की आदत होने की, और हो सकता है अजीब लगे खेलने में, लेकिन यार मजा आ रहा है।
कॉम्बोज में अलग अलग देख रहा हूँ सेथ के कौन कौन कॉम्बोज है भाई। यार दो ढाई साल से हम लोग इसी का तो वेट कर रहे थे, ऐसे ही किसी गेम का। मुझे यार जब वीडियो आई थी ना तो मुझे क्या लग रहा था पता है कि कॉम्बो ये सब देख के बुरा किया 2K ने, लेकिन अब मुझे लग रहा है ना कि यार बिल्कुल अलग गेम खेल रहा हूँ मैं। ग्राफिक्स अच्छा 2K का और गेम प्ले भी अलग हो गया है, तो ये अच्छा किया क्योंकि गेम खेलने में मजा आएगा। वरना क्या होता ना, एक दो दिन में खेलता और उसके बाद फिर बोर हो जाते यार आप लोग भी। ओ भाई टेबल कितना स्मूथली अंदर आया, देखा टेबल को लगाया जाए क्या? देखो पुराने गेम्स में ऐसा होता था कि टेबल के डायरेक्शन में हम लोग फेंकेंगे तो टेबल टूट जाएगा, लेकिन अभी तो टेबल मीटर फुल होने वाला ऑप्शन आ गया। मैं टेबल पे पटक के देखता हूँ कि वहाँ टेबल पे कूदेगा या टेबल बंद हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल ऐसे रियल लाइफ में क्या होता है कि मैं अगर नॉर्मल शॉट भी दूँ टेबल मीटर फुल होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल शॉट भी दूंगा तो टेबल टूट जाएगा। तो अभी मुझे यही देखना है कि मैं सुप्लेक्स दूंगा तो इसमें टूटेगा क्या? लो ब्लो मारा सेथ ने रिवर्सल में भाई, टांग से लो ब्लो मारा था। देखते हैं टेबल का क्या सिस्टम है। टेबल इसीलिए मैंने अच्छा ये दौड़ के मारने जा रहा था लेकिन टेबल की वजह से दौड़ा नहीं यार। 2K20 होता ना तो टेबल साइड हो जाता, लेकिन वहां पे टेबल रखा हुआ था इसलिए सेथ रॉलिंग्स दौड़े ही नहीं। ये अच्छा लगा मुझे, मतलब ओरिजिनल बना रहे, अच्छा कर रहे हैं यार, यही तो चाहिए था अपने को। मैं स्टाइल मार के देख रहा हूँ सेथ का कौन कौन सा टॉन्ट है यार। पहले फिनिशर दे देते हैं उसके बाद टेबल तोड़ने की कोशिश करेंगे यार। फिनिशर आ गया मेरे पास, ड्रू ने रिवर्स कर दिया। गलत बात ड्रू, गलत बात। अगर सुप्लेक्स दिया टेबल नहीं टूट जाएगा, रिवर्स कर दिया मैंने, टेबल तोड़ने आ रहे थे पर टेबल टूटेगा नहीं पता है। ओ टेबल टूट गया यार ये तो मतलब अच्छा ही बनाया, नहीं ओरिजिनल बना दिया भाई। टेबल मीटर फुल करने की जरूरत नहीं है, यानी कि टेबल मैच बहुत खतरनाक होगा यार। नॉर्मल कोई सुप्लेक्स, अगर ड्रू मैकइंटायर अभी मुझे सुप्लेक्स दे देते टेबल टूट जाता। टेबल मीटर फुल करने का जरूरत नहीं भाई, कुछ ज्यादा ही छोटा मैच था क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि रिवर्स करने से टेबल टूट जाएगा, लेकिन अच्छा हुआ रिवर्स कर दिया। ओ भाई सेथ फिर से अपना डांस कर रहा है थंडरडोम अरीना ओरिजिनल लोगों को लेके बनाया यार, काफी अच्छा बनाया है गेम, मजा आ गया भाई। मैंने अभी तक मुझे लगता है शायद मैं 1 घंटा अभी तक खेल लिया मैंने, ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा गेम। अभी इसमें करने के लिए बहुत कुछ है, माई करियर मोड है, माई जीएम मोड है, माई फैक्शन है, अभी भरा हुआ है यार इसमें, मतलब कंटेंट की आप लोगों को कमी नहीं होने वाली है। तो यार जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना, 10K लाइक्स का टारगेट रखते हैं हम लोग यार, एपिक हो जाएगा अगर फर्स्ट वीडियो में फेलियर फैमिली 10K लाइक्स कर देती है। तो चलो मैं मिलता हूँ आप लोग से लाइव स्ट्रीम में शाम में 7 बजे, और सबको अपना ख्याल रखो, सेफ रहो, अच्छे से रहो, बाय बाय।